हुआ होगा और यहाँ का मार्केट पूरा ऑलमोस्ट ओपन होने ही वाला है। दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ ब्रह्मा टेम्पल वाला जो रो है उसका। और अभी हम लोग सावित्री मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, आई थिंक यहाँ से सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट हम लोग जो है रोप वे लेंगे। तो ये रास्ता है रोप वे की ओर जाने का और आई थिंक लोग भी वेट कर रहे हैं, रोप वे स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ टिकट प्राइजेज और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे वेटिंग एरिया होगा ना, यहाँ से एंट्री मिलेगी रोप वे के लिए। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रोप वे के सारा मशीनरीज हैं जिसके थ्रू रोप वे को मेंटेन किया जा रहा है और ऊपर तक वो जो मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो अच्छा है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके पहले मैं रोपवे में कभी नहीं गई हूँ, तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है और उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे कि आपको रोपवे के थ्रू जाना चाहिए या नहीं। वहाँ से आपको सामने से एक ट्रॉली आती हुई दिखाई दे रही होगी, वो शायद ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। और अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर में। ये यहाँ पर मंदिर आ गया है। We will remove our footwear. ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये सावित्री माता का मंदिर है और ये ऊपर पहाड़ी पर है जो मैंने आपको बताया, और हम इस पर रोपवे के थ्रू ही आए हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप ब्रह्मा जी का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हो तो यहाँ पर भी आपको आना कंपलसरी रहता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने हमको बताया। थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा तो वहाँ पर मुझे कुछ ओस या फिर बादल इतने नीचे नहीं हो सकते। और ये पूरा पुष्कर शहर की आबादी है जो कि हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। बीच में हमें खेत भी दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक सरोवर है वो भी दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कौन सा सरोवर है, मे बी पुष्कर सरोवर ही हो, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और